नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। नेपाल ने भारत के 500 और 2000 के नए नोटों पर लगाया प्रतिबंध। 500 और 2000 रुपए के नए नोटों को बताया अवैध। 8 नवंबर से भारत में नोटबंदी की हुई थी घोषणा। इराक की राजधानी बगदाद में गैस स्टेशन के पास विस्फोट, 80 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। आतंकी संगठन आईएसआईएस पर है हमले का शक। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ ने भारत को दी धमकी, कहा भारत में पढ़ाई जाएगी तबाही की दास्तां। भारतीय सेना की ओर से पीओके में की गई सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा करार दिया। इराक के मोसूल शहर पर आईएसआईएस की पकड़ हुई कमजोर। आईएस के कब्जे वाले क्षेत्र से मोसूल का संपर्क टूटा। आईएसआईएस के खिलाफ छिड़ी जंग में कुर्द और शिया बलों के बीच समन्वय के लिए बनी सहमति। ताइवान की हुआलिन काउंटी में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.2 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क्स रहा भूकंप का केंद्र। यूनानी द्वीप लेस्वोस के प्रवासी शिविर में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत, कई घायल। घटना की जांच में जुटी पुलिस। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।